आज हम ऊष्मा के सुचालक और कुचालक के बारे में समझेंगे। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक बोले तो जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से हो जाता। संचरण बोले तो ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं हम ऊष्मा के सुचालक। क्या बोलते हैं? ऊष्मा के सुचालक। और मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो रहा, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं हम? ऊष्मा के सुचालक। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके के पदार्थ होते हैं। एक ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से हो जाता है, उनको हम नाम रख देते हैं सुचालक। और जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है तो उन्हें क्या बोल देते हैं? ऊष्मा के सुचालक। जैसे इस प्रयोग पर ध्यान दीजिए, इस प्रयोग पर ध्यान देते हैं। तो इस प्रयोग में हमने यहाँ पर स्टैंड में दो छड़े एक दूसरे से चिपका कर रखी है। एक छड़ हमारी कांच की छड़ है और एक छड़ लोहे की छड़। कांच की छड़ पर समान दूरी पर हमने दो एल्पिन मोम से चिपका रखी है, ऐसे ही दो एल्पिन लोहे की छड़ पर भी चिपका रखी है। तो इधर कांच की छड़ है और इधर लोहे की। अब हमने क्या किया, हमने बीचों बीच से इसको गर्म करना प्रारंभ किया। तो बताइए इनमें से कौन सी छड़ की एल्पिन जल्दी गिर जाएंगे? लोहे की, यानी कि लोहे वाली आल्पने जल्दी गिरने लगेगी। तो क्यों गिरने लगेगी कोई बता सकता है? क्योंकि लोहे की छड़ सुचालक मतलब उसमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से हो जाता है। तो ये कीलें क्या होंगी हमारी? गिर जाएंगे। इसकी कीलें बच्चों गिरती है तो बहुत देर में गिरेगी, गिरती है तो बहुत देर में। और जब बहुत देर में गिरेगी तो हम उनको बोलेंगे कुचालक। कुचालक गिरेगी तो, लेकिन बहुत देर में। तो ऐसे पदार्थों को हमें क्या बोलना होता है बच्चों? कुचालक। इसका मतलब हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हो सकते हैं और कुछ पदार्थ ऊष्मा के कुचालक हो सकते हैं। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देने की कोशिश करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, गर्ल्स में से कोई बताएगा, गर्ल्स में से कोई बताए कि खाना पकाने के लिए हम लोहे के बर्तनों का उपयोग करते हैं, खाना पकाने के लिए हम पीतल के बर्तनों का, एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग करते, बताइए लड़कियों कि उन बर्तनों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। जैसे हमने आग जलाई तो हम ये चाहेंगे कि वो तवा या कढ़ाई जल्दी गर्म हो या देर से गर्म हो, जल्दी गर्म हो। और इसलिए जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर लोहा का प्रयोग करते हैं हम, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं हमारे घरों में। तो इसीलिए है कि वो जल्दी गर्म हो जाए, समझ गए? वो कैसे हो जाए? जल्दी गर्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ तवा है, कुछ बर्तन है जैसे चाय बनाने के लिए हमारे घरों में सॉस पैन होता है, कहीं दाल वगैरह फ्राई कर रहे हैं तो आपने देखा एक फ्राइंग पैन बोलते हैं उसको, फ्राइंग पैन होता है। तो सॉस पैन और फ्राइंग पैन पर जो हत्ता है या तवे पर जो हत्ता है तो वो हत्ता या तो लकड़ी का लगा होता है या फिर कुछ लोग बांस का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे वाली हत्ता टूट गया आप बांस लगा लीजिए उसमें, या फिर कुछ लोग जब आप खरीद के लाते हैं तो वहां पर बेकेलाइट का एक हत्ता लगा होता है, खोल लगा होता है उसके ऊपर। तो बताइए उसके ऊपर जो खोल लगा हुआ है वो क्यों लगाया गया? हमारे हाथ में खड़े हो, खड़े हो जवाब दो, क्यों लगाया गया? क्योंकि हमारे हाथ
सुरक्षा के लिए लगाया है क्योंकि हमारे हाथ जले नहीं, हमारे हाथ जले नहीं। इसका मतलब हमें ऐसे बोलना चाहिए बच्चों कि जो पोर्स जो बेकेलाइट है, जो लकड़ी है, जो बांस है, वो ऊष्मा की उचालक होती है। लिहाजा जब हम उसको गर्म करते हैं तो बर्तन तो जो धातु का बना हुआ है वो तो गर्म होता है, लेकिन उसका हत्था गर्म नहीं हो पाता। तीसरी बात, सबने गर्मियों के दिनों में बर्फ देखी होगी। बर्फ खरीदने के लिए हम दुकान पे जाते हैं, तो दुकान में जाने के लिए गांव में जब बर्फ होती है तो उस बर्फ को वो क्या करते हैं, लकड़ी के बुरादे से ढक देते हैं, या उसके ऊपर कोई टाट का बोरा से या ऊनी कपड़े से उसको ढक देते हैं। तो क्यों ढक रहे, इससे वो पिघल क्यों नहीं, क्यों नहीं पिघलेगी? तो इसका कारण हमको ऐसे बोलना है बच्चों, क्योंकि जो कंबल है, जो बोरा है, जो बोरादा है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या हो गया, तो वो ना तो बाहर से ऊष्मा को अंदर आने देता है और ना अंदर की ठंडक को बाहर जाने देता है, और जिसके कारण बर्फ हमारी पिघलने से बच जाती है। जाड़ों के दिनों में सबने देखा होगा कि हम ऊनी कपड़े पहनते हैं या रात में रजाई ओढ़ के सोते हैं। क्यों भैया, लड़की हो रहा है जी, हरियो कोई तो कौन सी लड़की बता सकती है, बताओ कि जाड़ों के दिनों में हम ऊनी कपड़े और रजाई क्यों ओढ़ते हैं, खड़े होकर बताओ। जोर से बोलो, जोर से। शाबाश, क्योंकि जो हमारे कपड़े होते हैं बच्चों, वो ऊनी कपड़े ना तो बाहर की ठंडक को अंदर आने देते हैं और ना हमारे शरीर की गर्मी को बाहर आने देते हैं। यानी ऊनी कपड़े विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है बच्चों? तो कुचालक होने के कारण उनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है और हम ठंड से बच जाते हैं। अब हम कुछ पदार्थ को बोलेंगे, आपको बताना है कि ये ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए या कुचालक। तो सबसे पहला पदार्थ हम पूछना चाह रहे हैं, एल्यूमिनियम सुचालक कैसा होता है, सुचालक। हमने कहा लोहा सुचालक, हमने कहा लकड़ी सुचालक, लकड़ी कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लकड़ी कुचालक, उसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता। इसी तरह से बेकेलाइट का हत्था लगा होता है बर्तनों पर, सॉसपैन वगैरह देखे हुए आपने, उस पर हत्था लगा होता है, तवे पर लकड़ी का हत्था लगा होता है, बांस लगी हुई है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, जो कुचालक होते। आज हम प्रैक्टिकल के समय अध्यापक के बाद इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ पदार्थों को पहचानेंगे कि उसको हमें सुचालक बोलना है या कुचालक, ठीक है? धन्यवाद।